हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएमए, एसीएमए और एफसीएमए के बारे में। आखिर ये होते क्या है और ये कब यूज कर सकते हैं आप? एसीएमए कब यूज कर सकते हैं, एफसीएमए कब यूज कर सकते हैं और सीएमए कब यूज कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स सीएमए क्वालिफाई करने के बाद सीएमए वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअल कब आप यूज कर सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आप ये देख सकते हो, मैं विकिपीडिया पे आपके सामने हूँ। विकिपीडिया पे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मेंबरशिप जो सेम इंस्टीट्यूट का है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आप एसोसिएट मेंबर बन सकते हो और एक फेलो मेंबर बन सकते हो। आप एसोसिएट मेंबर कब बन सकते हो? देखो, एसीएमए पहले क्या होता है, जैसे आपने सीएमए क्वालिफाई किया तो आप सीएमए फाइनल पास आउट स्टूडेंट हो, आप सीएमए नहीं हो। आप एज पर इंस्टीट्यूट के जो नॉर्म्स है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आप सीएमए वर्ड यूज नहीं कर सकते। अपने नाम से पहले प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हो सीएमए। आप सीएमए कब लगा सकते हो? जैसे होता क्या है, सबसे फर्स्ट जो मेंबरशिप है, जो बेसिक लेवल है मेंबरशिप का, वो एसोसिएट मेंबर का। अगर आप जैसे आपने सीएमए क्वालिफाई किया एंड आपके पास ऑलरेडी 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो M2 फॉर्म में। आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओगे एंड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे यहाँ पे जाओगे, मेंबर्स का सेक्शन है एंड मेंबर्स के सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रखा है। यहाँ अप्लाई फॉर मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे मेंबरशिप का फॉर्म मिल जाएगा। आप फॉर्म को यहाँ क्लिक करना है एंड देन आप इस फॉर्म को फिल करो एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे आपके फाइनल पास आउट का मार्कशीट, अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप उसका भी मार्कशीट अटैच कर दो, प्लस आपका सीएमए का, प्लस आपने जो कहीं भी जॉब एक्सपीरियंस किया। देखो, यहाँ पे 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि आपके पास 3 ईयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो लेटर हेड्स आपको लेने पड़ते हैं कंपनी से, एक्सपीरियंस लेटर बनवाने पड़ते हैं। अगर फॉर्म से किया तो फॉर्म से एक्सपीरियंस लेटर बनवाने पड़ेंगे एंड देन इस फॉर्म को फिल करो एंड फिर नेक्स्ट करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर दो। फिर इंस्टीट्यूट उसको वेरीफाई करेगी और 10 to 15 डेज के अंदर जनरली मेंबरशिप नंबर आ जाता है। देन अब आप मेंबर बन चुके हो। जब आप मेंबर बन चुके हो इंस्टीट्यूट के, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो एफसीएमए के लिए। यानी फर्स्ट 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एसीएमए बन सकते हो। उसके बाद आपको एसीएमए बनने के बाद 5 ईयर्स का आपको वेट करना होगा। जैसे मैं आपको अपना खुद का दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ पे मेरा ये पोर्टल है, मैंने लॉग इन कर रखा है। यहाँ पे देखो फेलो मेंबरशिप के लिए आ रहा है एप्लीकेशन करने के लिए। जब आप एसोसिएट मेंबर बन जाओगे तभी फेलो मेंबर के लिए आएगा, डायरेक्ट कोई भी फेलो मेंबर नहीं बन सकता। तो मैं ऑलरेडी एसोसिएट मेंबर हूँ तो मैं यहाँ पे फेलो मेंबरशिप पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास एक पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ अप्लाई फॉर फेलो मेंबरशिप आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द योर मेंबरशिप डेट। और अभी मेरे मेंबरशिप डेट से भी 5 ईयर्स नहीं हुए, बिकॉज अभी मैंने इसी ईयर अगस्त में मेंबरशिप लिया, तो अभी मुझे 5 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा एसोसिएट मेंबर बनने के लिए। अगर 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं एसोसिएट फेलो मेंबर के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये 3 लेवल्स है, एक तो आप फाइनल पास आउट स्टूडेंट होते हो, फिर आप एसी में बनते हो, फिर आप एफसी में बनते हो। तो अगर बात करें इसकी वैल्यू की, तो देखो जो जिस भी पर्सन जो सीएमए क्वालिफाई कर चुका है, जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। बिकॉज उसके पास नॉलेज उतना ज़्यादा होगा, उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली उतनी ज़्यादा होगी। तो और कुछ इसका मैटर डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज आप एफसीएमए हो या एसीएमए हो, आपके पास सब कुछ राइट्स उतनी होगी, बट आपका एक्सपीरियंस वो बताता है एफसीएमए और एसीएमए। एफसीएमए बताता है कि आप 5 ईयर्स से आप इंस्टीट्यूट का मेंबर हो, एसीएमए बताता है कि आप रिसेंटली अभी आप इंस्टीट्यूट का मेंबर बने हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो सीएमए बनते हैं सीएमए वर्ड यूज करते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं है तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप पहले इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप ले लो, देन आप इस वर्ड को यूज करो। बिकॉज यहाँ पे इंस्टीट्यूट के एक्ट में जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 है, वहाँ पे पेनाल्टी लिखा हुआ है। तो आप उसकी मैंने अलग से एक मैंने वीडियोज बना रखी है, आप उस वीडियोज को आप देख सकते हो पेनाल्टी से रिलेटेड। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप तो आपको इस वीडियो से कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो। थैंक्स, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।